और अब ये तस्वीरें देखिए, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कैप्टन अभिमन्यु नारनौन से, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है परिवार के लोगों के साथ। वो पहुंचे गांव खांडा में, उन्होंने मतदान किया, तमाम अन्य लोगों के साथ वो कतार में खड़े हुए और वोट कास्ट करते नजर आए। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, जो नारनौन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने वोट कास्ट किया है, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग केंद्र पर। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री एवं नारनौन से बीजेपी के प्रत्याशी, और इस दौरान परिवार के तमाम लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने वोट कास्ट किया। में जाकर अनेक गांव में वोट मांगे, और आज मतदान का दिन है। प्रदेश में जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, जो दारूण दल के से भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो अपने पैतृक गांव खांडाखेड़ी में मतदान करने पहुंचे हैं, करेंगे उनसे खास बातचीत। जी, मतदान किया है, कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। संवैधानिक जिम्मेदारी है हर एक नागरिक की, और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि शत प्रतिशत मतदान करें, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो। और आज हमने अपने लोकतांत्रिक जिम्मेदारी, जो संवैधानिक जिम्मेदारी का निभाने का काम किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है, और नारनौंद में कमल का फूल खिलने वाला है, और गुंडागर्दी हार रही है और भाईचारा जीत रहा है। जी, लगातार हलके में गए हो, लोगों से काफी बातचीत की है, क्या मुद्दे सामने आए? बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा था। देखिए, हमारे यहाँ तो कुल मिलाकर के हमने विकास को सामने रखा कि हमारे नारनौंद का विकास जो धीमी गति हो गई थी उसको हमें फिर से तेज करना है। नारनौंद के नौजवानों के रोजगार के लिए हमको रात दिन लग करके काम करना है। तीसरा था हमारे इलाके का जो सभ्यता, मर्यादा, संस्कृति और भाईचारा, जिसको बिगाड़ने की बाहरी तत्व बहुत कोशिशें कर रहे थे, और कांग्रेस का पूरा जो अभियान है, चुनाव अभियान है, वो एक तरह से हुड़दंग और दबंगई पर चला, लोगों को धमकाने पर चला, और शरारतें, हर तरीके की शरारतें उन्होंने की हैं, जिसको हमारे इलाके के संस्कृति जो है वो पसंद नहीं करती, हमारा भाईचारा उन चीज़ों को पसंद नहीं करता। तो कुल मिला के अंततो गत्वा नारनौंद के अंदर भाईचारा ही जीतेगा, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा ही जीतेगा। कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि भाई छह तारीख तक हाथ जोड़ के काम चला लो, उसके बाद में हिसाब कर देंगे। देखिए, ये तो उनकी मानसिकता अनेकों बार सामने आई, और जनता जो है वो सब कुछ देख लेती है, सच और झूठ को समझ लेती है। क्यों, उन्होंने जैसे पहले कहा एक आदमी पांच पांच वोट डालो, तो पहले दिन से ही कानून और संविधान को तोड़ने की बात उन्होंने शुरू करी, तो उपद्रव मचाने का काम शुरू किया, पूरे लोगों को धमकाने का काम शुरू किया, मारने पीटने का काम शुरू किया, बहन बेटियों को थाने में ले जाने का काम शुरू किया, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के ऊपर हमले करने के काम हुए, और फिर इस प्रकार से के बदला लेने की बात रखना, ये कोई जिम्मेदार नेता या जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार की बात नहीं कर सकता। ये तो चुनाव है, चुनाव तो होने के बाद हम सब सरपंची के चुनाव भी लड़ते हैं, आपस में सब भाई हैं, भाईचारा है, किसको देख लेंगे, अपने भाईचारे को देख लेंगे, भाईचारा ही जवाब दे देगा। जी जी, विधायक बनने के बाद में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपकी बात? देखिए, सरकार हरियाणा में बनने वाली है, और निश्चित तौर पर मैंने जैसे पहले कहा है कि सरकार बनने के साथ साथ हम नारनौंद के अंदर फिर से विकास बहुत तेजी से फिर से शुरू करेंगे, रोजगार पर सबसे अधिक काम करेंगे, और साथ के साथ अपने इलाके का जो हमारा सामाजिक ताना बाना है इसको जोड़ करके लेकर के चलेंगे, रोजगार मेरा एक फोकस एरिया रहेगा। जी, मतदाताओं को क्या अपील करना चाहोगे? मतदाताओं से अपील है कि सभी अपने घरों से निकल करके धूप और गर्मी के बावजूद अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करें, अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को निभाएं, हर कोई वोट डालने जरूर आए, और मेरा निवेदन है कि अगर आप अनुमति दें तो कमल के फूल के ऊपर वोट डाल करके हमें विजयी बनाने की कृपा करें। जी, कांग्रेस के प्रदर्शी कह रहे हैं कि भाई कैप्टन अभिमन्यु ने एक दिन पहले एजेंट जो बनाए जाते हैं उनकी मीटिंग ली है, और कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा झगड़ा करना ताकि मतदान कम हो पाए। बिल्कुल झूठ है, मैंने तो चारों मंडलों में हजार हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं को यही कहा कि हमारी दही जमी हुई है वोटों की, बढ़िया हमारी तय लगी, ठीक लगी हुई है, हमारे पक्ष में शांतिपूर्ण मतदान ही हमारे पक्ष में है। जो विपक्ष के भाई हैं वो अशांति फैलाने कोशिश करेंगे, रात भर उन्होंने इधर उधर हुड़दंग करे हैं, लोगों को मारा पीटा है, हमें इस प्रकार से उनकी चालों में नहीं पड़ना है, हमें शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करना और कराना है। तो अगर मैंने कहीं पर भी ऐसी बात कही है तो ये तो इनकी झूठ बोलने की आदत है, मुझे मेरा अजीज है, मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारा अपना भाई है, लेकिन कुछ चीज सबूत के साथ तो सामने लाए, उनके तो सबूत है, एक आदमी पांच वोट डालो बदला ले लेंगे, तो मेरा कोई एक लाइन तो लाए। एक एक वीडियो वायरल हो रही है, कांग्रेस नेत्री स्टेज पे मंच पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे, एक वीडियो ऐसी वायरल हो रही है, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है
कि जिस प्रकार का पूरा जो ये हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट का जो आसपास का सोबत संगत का जो संस्कार रहा है वो बड़ा पीड़ादायक रहा है। पहले दिन से सड़कों पर किलकियाँ मारना, शोर मचाना, हुड़दंग करना, गलत इशारे करना, और उसके बाद में फिर उन्होंने और समर्थन दे दिया उनको कि जी और ज़्यादा ये मैं इनके साथ हूँ जैसे भी हैं, और उसके बाद एक आदमी 5 वोट डालना, फिर रैली के अंदर भी असभ्य तरीके से जिस प्रकार से व्यवहार हुआ। हमारी बहन बेटी है, हमारी एक बहन बेटी को गाली दी गई, वो हमारी भांजी है, पूरा हरियाणा में हम शर्मसार हुए हैं कि हम इस प्रकार के गाली गलौज की भाषा हमारे इलाका नहीं करता है। हमारी बहन बेटी को गाली दी गई, हमारी बहन बेटी के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, वो मेरे गांव की बेटी है, मेरे पेटवाड़ गांव की बेटी है, मेरी बहन है, वो उसके साथ दुर्व्यवहार होना हमें बहुत दुख और तकलीफ देता है। इसी तरह से और भी जो वहाँ करंट लग करके हमारा एक प्यारा भाई वीरभान उसकी तड़प तड़प करके मृत्यु हो गई, बास का बेटा हमारा, और रैली चलती रही, इतना ज़्यादा निर्दय था, इतनी क्रूरता, ये तो राक्षस भी ऐसा काम नहीं करते कि लाश के ऊपर वो डीजे बजा रहे हैं, आतिशबाजी बजा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं, मतलब इतना मैंने गिरा हुआ स्तर कभी मैंने अब राजनीति के अंदर या समाज जीवन में कभी नहीं देखा। आदमी दुश्मन की भी मौत के ऊपर जो है अफसोस जाहिर करता है, 1 मिनट की श्रद्धांजलि भी कांग्रेस के नेताओं ने देना मुनासिब नहीं समझा इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद, और फिर पोस्टमार्टम भी नहीं, सरकारी अस्पताल से ऐसी, ये सारा जो स्थितियाँ हुई हैं ये बहुत ही एक संदेश दे रही है कि ये अराजक तत्व हैं, ये सामाजिक तत्व ही नहीं है। ये अगर बात करें कि एक भाजपा का लास्ट में किसी नेता का बड़ा नेता का जाना, यानी उसमें क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि आखिरी ओवर में आउट होना, यानी अशोक तंवर जी भाजपा को छोड़कर चले गए, क्या फर्क पड़ने वाला है? हम मैच पहले ही जीत चुके थे, कोई चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, इन्होंने बताया है कि इन्होंने पूरी मेहनत की है लगातार हल्के के लोगों के बीच में जाकर, और हल्के के लोगों में भारी उत्साह है, उन्होंने वही मतदाताओं से अपील की है कि भारी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे ताकि प्रदेश में फिर से कमल खिला सके। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान।